आम आदमी पार्टी के युवा विंग द्वारा कलेक्टर को दिया गया आवेदन। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। 20 दिन बाकी लेकिन अभी तक गणेश उत्सव की कोई गाइडलाइन नहीं आई। आम आदमी पार्टी के युवा विंग कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को सार्वजनिक रूप से गणेश उत्सव मनाने के लिए एक आवेदन पत्र सौंपा। सत्ता पक्ष बीजेपी ने 2 दिन पहले एक जन आशीर्वाद यात्रा का आयोजन किया और एक बड़ी भीड़ इकट्ठा की और 30 से 40 फीट का एक बड़ा मंच बनाया गया और डीजे के साथ यात्रा निकाली गई थी। इसके चलते सूरत के गणेश भक्तों में काफी गुस्सा देखने को मिला और आम आदमी पार्टी युवा विंग सूरत शहर के उपाध्यक्ष को शिकायत मिली कि अगर सत्ता पक्ष के लोग इतनी धूमधाम से अपना कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं तो हम गणेश भक्तों के साथ क्यों अन्याय किया जा रहा है। हमें सार्वजनिक रूप से एक बड़े मंडप की अनुमति देकर सार्वजनिक रूप से गणेश उत्सव मनाने की अनुमति देनी चाहिए। इस मामले को लेकर सूरत शहर के आम आदमी पार्टी के युवा विंग के कार्यकर्ताओं द्वारा कलेक्टर को आवेदन दिया गया। नमस्कार मित्रों, आज अमे लोग कलेक्टर साहब ने आज आवेदन पत्र आपवा माटे आव्या छे। हवे आवेदन पत्र अंदर एवं बाबत अमे लखेली है अंदर के 2-3 दिवस पहला जयरे भाजपनी आशीर्वाद यात्रा आयोजन करवामां आव्युं हतुं अने आशीर्वाद यात्रा अंदर डीजे दुनियाभरनी पब्लिक पुलिसों ने एमना काम धंधा छोड़ाईने पुलिस ने त्यां भेगा करवा 30-40 फूटना मोटा मोटा स्टेज बांधवा अने दुनियाभरनी संख्यामां लोकोने भेगा करवा तो गणेश भक्तोना अंदर बहु बधी नाराजगी हती अने एमनो एक अमने कहेवानुं हतुं के अगर भाजपना लोको डीजे दुनियाभरनी शोभायात्रा दुनियाभरनी पब्लिकने अगर भेगी करी शके छे तो अमे शुं गुनो कर्यो छे। अमारा धर्मना टाइम पर तमे केम अमने आ रीतना रूल शीखवाड़ो छो? ज्यारे दशामानुं व्रत होय, गणेश उत्सव होय, मोहरम ताजियो होय के तो पछी आपणे जन्माष्टमी होय, अमारा तहेवारनो समय आवे त्यारे तमने सोशल डिस्टन्सिंग अने कोरोना देखाय छे। 2 वर्षथी डीजे छे, डीजेनो जे धंधो કરવાવાળા લોકો છે એ પડી ભાંગ્યા છે અને તમારો કોઈ પ્રસંગ હોય ત્યારે ડીજે વાળાને તમે તમારા પ્રસંગમાં બોલાવો છો પણ અમારા ધર્મની જ્યારે વાત આવે ત્યારે ડીજે પણ નહીં આવી શકે, ભીડ નહીં કરી શકે, નાનું મંડપ રાખવાનું, નાની મૂર્તિ રાખવાની, તો અમારા ધર્મનો હુકમ તમે આ રીતના ઇસ્તેમાલ કરો છો। અમારું જે ગણેશ ઉત્સવ છે, ગણેશ ઉત્સવ મારા હિસાબે હિન્દુ ધર્મના અંદર સૌથી મોટો તહેવાર છે અને અમે લોકો એને બહુ ધામધૂમથી ઉજવીએ છીએ પણ 2 વર્ષથી કોરોનાના સમયગાળાના અંદર અમે લોકો એને ધામધૂમથી ઉજવી નથી શક્યા અને એની એક્ઝેક્ટ સામે જ્યાં સત્તાધારી પક્ષના લોકો છે આશીર્વાદ યાત્રામાં દુનિયાભરના લોકોને ભેગું કરી દુનિયાભરના તામઝામ બતાવે છે તો પછી અમારા ધર્મનું જ્યારે વાત આવે તો ત્યારે અમે લોકો હુકમ પાછળ રહીએ તો અગર સરકાર આવી રીતના ડીજે યાત્રા પબ્લિક ભેગી કરી શકે છે, મોટા સ્ટેજ બાંધી શકે છે તો ગણેશ ભક્તો પણ 30-40 ફૂટના મંડપ હોય, ડીજે હોય કે પછી કોરોનાનું ગાઈડલાઈનનું પાલન કરીને એ પણ સાર્વજનિક રૂપે ગણપતિનું આગમન કરી શકે છે। બસ એટલું કહેવા માટે આજે અમે લોકો અહીંયા કલેક્ટર સાહેબ સમક્ષ આવેલા છીએ।